हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। तो स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं 66 बीपीएससी के एग्ज़ाम्स को लेकर दे रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट निकल के आ रही है पटना संवाददाता बीपीएससी औरंगाबाद के बीएल इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल केंद्र की दोबारा होगी परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये साफ साफ क्लियर हो गया कि जो बीपीएससी 27 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और 29 या 30 तारीख के आसपास में एक समिति का गठन किया गया जो कि इसका औचक निरीक्षण कर रही थी। तो उसके प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि हिंदुस्तान के पेपर के माध्यम से कि औरंगाबाद के बीएल इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल रामपुर टोला धनहा केंद्र की बीपीएससी परीक्षा दोबारा पुनः होगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अब कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्रों के पैकेट के पहले खोलने की अफवाह उड़ाकर रूम के छात्रों के सामने उसे खोलने की मांग की और केंद्र मौजूद अन्य अभ्यर्थियों की परीक्षा को देने से रोका। मामले के सूचना पर औरंगाबाद के डीएम भी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझने का प्रयास किया। इसके बावजूद छात्रों ने बात नहीं मानी, इसके कारण इस केंद्र की कोई परीक्षा नहीं दे सका। डीएम ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को भेजी। इसके बाद मामलों की जांच बीपीएससी ने उप सचिव स्तर के 2 वरीय पदाधिकारियों की टीम फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर औरंगाबाद पे भेजी गई और टीम की जांच में सामने आया कि कुछ पदवी छात्रों ने भ्रम फैलाकर परीक्षा को बाधित करने का प्रयास किया था, जो आप लोगों को 27 दिसंबर के दिन ये चीज़ व्हाट्सअप के माध्यम से जो बार बार, तो ये आईटी सेल एक बहुत ही एक्टिव है किसी भी डिपार्टमेंट का, जो कि ये आप लोगों को जो रूमर सोशल मीडिया फैला रहे हैं। देखिए, जैसा कि प्राप्त जानकारी से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम औरंगाबाद सेंटर का ही दोबारा होगा, पूरे बीपीएससी का दोबारा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र पर मौजूद 850 परीक्षार्थियों में से अधिकतर परीक्षा देना चाहते थे, लेकिन लिहाजा बीपीएससी ने छात्र में उस केंद्र पर मौजूदा छात्रों की परीक्षा लेने का निर्णय हुआ। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्द आपको शाम तक मुझे पता चला है, लेकिन मैं अभी आपको ये अपडेट नहीं दे पाऊँगा। ये जो 66 बीपीएससी का आंसर की का, मैं शाम तक किसी भी हाल में आपको अपडेट दूंगा कि आंसर की कब तक जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोग और बता दूँ कि बिंदा जीएस फोरम वाईपीसी चैनल प्रोग्राम के तहत अनअकैडमी से अटैच हो चुका है, तो कुछ उसके फीचर्स आइए देखते हैं। और आज ही आप लोग अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी बीपीएससी आप लोग के लिए लाया है, जो आज ही आप लोग डेली लाइव क्लास प्रैक्टिस या रिवाइज सेशन लर्न एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं। फ्री प्लान है जो वीकली 300+ लाइव क्लासेस मिलेंगे, जो कि डाउट क्लियरिंग क्लास होगा, फ्री मॉक टेस्ट होगा और T20 फ्री लाइव क्विज होगा, जो 20 मिनट 20 क्वेश्चन रात्रि 8 बजे मिलेंगे। अनलॉक करना है बिंदा 10 यूज करके। फ्रेंड्स, बेनिफिट्स बहुत सारे, प्लस सब्सक्रिप्शन के कि बिहार के टॉप एडुकेटर स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास है, तो 20,000+ क्वेश्चन बैंक है, पीडीएफ नोट्स भी आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट जो होगा प्रैक्टिस के लिए जाएगा, डेडिकेटेड गाइडलाइंस होगा। ये अन अकेडमी का मेगा बैच है, जो कि विजय बीपीएससी, लक्ष्य बीपीएससी और टारगेट बीपीएससी है, जो कि आपको 12 जनवरी 11 जनवरी और 8 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अनूप कुमार सिन्हा जो कि रेनाउंड फैकल्टी है अन अकेडमी पे, ये बीपीएससी का स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलने वाला है यहाँ से। कैसे आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर ऐप नहीं डाउनलोड किए तो वेबसाइट के थ्रू भी जाके आप कोर्स का परचेज कर सकते हैं। बिंदा 10 जैसे ही आप लोग परचे रेफरल कोड यूज कीजिएगा, तो 10% का इंस्टेंट किसी भी कोर्स पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और बीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। थैंक यू।